भागलपुर नगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात सोनाम मैरिज गार्डन। आप उत्सव मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 7979-499-821। नवगछिया स्टेशन परिसर में लगाया गया रोटी बैंक, जरूरतमंद के बीच वितरित किया गया मुफ्त भोजन। नवगछिया में सामाजिक संस्था सेवार ने लगातार 14वें सप्ताह शनिवार को बाबा गनीनाथ सेवा समिति नवगछिया के सौजन्य से नवगछिया रेलवे स्टेशन परिसर में भूखे एवं जरूरतमंद लोगों के लिए रोटी बैंक नामक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मिक्स गर्मा गर्म खिचड़ी की व्यवस्था की गई थी। वहीं इस अवसर पर आयोजित समारोह में बाबा गनीनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार भारती एवं संरक्षक निरंजन शाह ने कहा कि इस तरह का आयोजन किसी भी सभ्य समाज के लिए एक मिसाल है। कार्यक्रम में बाबा गनीनाथ सेवा समिति के निरंजन शाह, शंकर शाह, अशोक गुप्ता, विष्णु गुप्ता, विवेकानंद शाह, रंजीत शाह, उदय गुप्ता, धर्मेंद्र कुमार सेवार के संयोजक सह बाबा गनीनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार भारती, सचिव अनंत विक्रम, पुरुषोत्तम कुमार, अविनाश कुमार, मनोज केजरीवाल, रंजन मिश्रा, अमित शाह, अजय सिंह कुशवाहा सहित कई अन्य मौजूद थे। नवगछिया अनुमंडल परिसर में डीलर एसोसिएशन की हुई बैठक, 8 सूत्री मांगों को लेकर जारी हड़ताल को सफल बनाने को लेकर बनाई गई रणनीति। 6 जनवरी से एफसीआई गोदाम पर धरना पर बैठेंगे डीलर। नवगछिया अनुमंडल परिसर के मैदान में शनिवार को फे प्राइस डीलर एसोसिएशन की अनुमंडलीय स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल उपाध्यक्ष गोपाल मंडल ने किया। बैठक में जिला अध्यक्ष गोपाल यादव सहित अनुमंडल के सभी डीलर मौजूद थे। बैठक में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के लंबित 8 सूत्री मांगों को लेकर समीक्षा की गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल प्रसाद यादव ने कहा कि हम लोग पिछले 1 जनवरी से 8 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती, हम लोग का हड़ताल जारी रहेगा। इस बैठक के दौरान हड़ताल को सफल बनाने को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में सर्वसम्मति से हड़ताल को सफल बनाने के लिए 3 प्रस्ताव लिए गए। जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस हड़ताल के तहत 6 जनवरी को हर प्रखंड के गोदाम में बंद करने को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। अनुमंडल के सभी एफसीआई गोदाम पर सभी डीलर धरना पर बैठेंगे। जब तक हड़ताल जारी रहेगा, डीलर धरना पर डटे रहेंगे। किरासन तेल थोक विक्रेता के उठाव को बंद करने हेतु डीलर का समूह उपस्थित रहेंगे। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से गोपाल प्रसाद मंडल को नवगछिया अनुमंडल अध्यक्ष मनोनीत किया गया। बैठक में सुशील कुमार यादव, राजेश कुमार, उपेंद्र मंडल, परमानंद मंडल, सुशील कुमार सहित सभी डीलर मौजूद थे। डीएसओ साहब कुछ पंचायत में भेजे थे नोटिस कि आप लोगों का पॉक्स मशीन पर 40% क्यों हुआ है, तो वही हम कहने के लिए आए थे सर से कि अभी हम लोगों का हड़ताल चल रहा है और इस यह जो हड़ताल है 8 सूत्री मांग को लेके है। इस मांग में हम लोग यह जो पॉक्स मशीन दिया गया है, पहले हम लोग 2 आदमी रहते थे तो काम चल जाता था, अभी जो है
कि जब तक हम तीन आदमी नहीं रहते हैं तो हम लोगों का काम चलता नहीं। तो सरकार से मेरा यह कहना है कि एक मजदूर को आप मैंने 300 रुपया मजदूरी देते हैं और हम खट रहे हैं तीन आदमी, तो कम से कम वाजिब हम लोगों का बनता है 900 टका, तो उस आधार पर कम से कम 30,000 रुपया वेतन मान मानदेय पर दिया जाए, या 300 रुपया कुंटल कमीशन और 3 रुपया लीटर करासन तेल पर हमको कमीशन दिया जाए। और जब तक यह कमीशन सरकार नहीं, सरकार से आपकी क्या मांग है, सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? तो हम कह रहे हैं सर कि सरकार से हम कहना चाह रहे हैं कि जब तक यह मांग हमारा नहीं मान लेता है तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। कब से हड़ताल है? 1 जनवरी 2020। आज यहाँ पे उस हड़ताल पे बैठे हुए हैं, हम लोग एक आपस में बात विचार कर रहे हैं कि अगला जो कार्यक्रम होगा मैंने क्या होगा उस पर हम लोग यह निर्णय ले रहे हैं, और निर्णय लेने के बाद आपको एक लिखित हम लोग दे देंगे, परिचय दे दें। मेरा नाम गोपाल प्रसाद यादव, जिला अध्यक्ष। सरकार के काम का प्रचार प्रसार हो, विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल, जनता दल यूनाइटेड नौगछिया संगठन जिला के गोपालपुर विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन नौगछिया हाई स्कूल प्रांगण में गोपालपुर विधानसभा प्रभारी सुबोध चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुई। मंच का संचालन त्रिपुरारी कुमार भारती ने किया। मुख्य अतिथि गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल, विधान परिषद सदस्य संजीव कुमार सिंह, क्षेत्रीय संगठन प्रभारी पंचम श्रीवास्तव, संगठन प्रभारी चंद्रभूषण राय, शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र यादव थे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जदयू सभी विधानसभा क्षेत्र में संगठन को मजबूत कर रहा है। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से बूथ अध्यक्ष और बूथ सचिव की जिम्मेदारियों पर चर्चा हुई। बूथ कमेटी के विस्तार और संगठन की मजबूती पर जोर दिया गया। गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के काम का प्रचार प्रसार कीजिए, विरोधियों को सरकार के काम और उपलब्धियों के आधार पर जवाब दीजिए। बूथ अध्यक्ष और बूथ सचिव पर आगामी विधानसभा चुनाव निर्भर है। हमारी सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है, इसलिए बूथ कमेटी में सभी वर्गों और महिलाओं को शामिल कीजिए। कार्यक्रम में मौके पर प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद, जिला द्वारा मनोनीत गोपालपुर विधानसभा प्रभारी अमर सिंह, अशोक दादा, बिहपुर विधानसभा राज्य परिषद सदस्य बुलंजी चौधरी, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव नीरा कुमारी, नवगछिया प्रखंड अध्यक्ष मुरारी मंडल, गोपालपुर प्रखंड अध्यक्ष साकेत बिहारी, इस्माइलपुर प्रखंड अध्यक्ष चंद्रिका मंडल, नारायणपुर प्रखंड अध्यक्ष अनिल पटेल, खरीक प्रखंड अध्यक्ष ललन महतो सहित कई अन्य मौजूद। कार्यकर्ता को टिकट दिया जाता है तो कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह होता है, कार्यकर्ता के अलावा जनता भी उम्मीदवार से आगे रहती है, इसलिए पार्टी ने फैसला किया है या जितने भी चुनाव होंगे उसमें किसी पार्टी के कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगा। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन्हीं में से किसी को मिलेगा। कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि जब सरकार बन जाती है, जब शपथ ग्रहण हो जाता है, जब मुख्यमंत्री के रूप में कोई गद्दी पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद उनकी नीति क्या है, उनका नियम क्या है, ये सब सारी चीजें देखी जाती है। मैं समझता हूं अभी भारतवर्ष में अगर कोई एक मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक संगठन को चलाते हुए अगर सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार कर रहे हैं तो हमको नहीं लगता है कि इतनी सक्रियता किसी अन्य मुख्यमंत्री में भारतवर्ष में है। मानव श्रृंखला की बात की जा रही थी, पंचम भाई बता रहे थे, पूर्व में भी मानव श्रृंखला बन चुका, भले ही हम इसको हल्के रूप में लें,
लेकिन जब मानव श्रृंखला सफल होगी तो देश की छोड़ दीजिए ये दुनिया में चर्चा की बात होगी, जो कि जल जीवन और हरियाली जैसे मुद्दे पर जिसमें बड़े बड़े देश जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास सब कुछ है, वो भी इस मामले से चिंतित हैं। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो ये संगठन क्या, ये नेतृत्व क्या। इसीलिए जल जीवन हरियाली हो या अन्य भी सामाजिक कुरीतियां हो, ऐसे अभी जल जीवन हरियाली के कारण ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी सभी जगह घूम रहे हैं। विकास के क्रम में बहुत सारे वर्ग अपने आप को महसूस करते हैं हम लोग कहीं न कहीं पीछे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी चाहे वो जो भी वर्ग हो, धीरे धीरे निश्चित रूप से, इसलिए हम निश्चित रूप से कह रहे हैं क्योंकि उनकी कुछ योजनाएं निश्चय के रूप में आ रही है। अगर वो निश्चय है, उनको चुनाव में जाना है, उनकी राजनीतिक पार्टी है, लोकतांत्रिक दुनिया में रहना है, तो निश्चय के रूप में अगर किसी योजना को वो लेते हैं तो वह कार्यान्वित भी निश्चित रूप से होगा और उसमें जितनी भी भागीदारी आप सबों की होगी, हम सबों की होगी, तो निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड जो है आगे की ओर बढ़ता जाएगा। और हम तो एक आग्रह और करना चाहते हैं, नवगछिया ट्रक ओनर एसोसिएशन द्वारा 0 माइल में एक दिवसीय धरना आयोजित। अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश पर 8 दिसंबर 2019 को रंगरा अंचलाधिकारी एवं रंगरा पुलिस के निगरानी में ओवरलोड वाहनों की जांच करने का आदेश दिया गया था। वहीं अंचलाधिकारी के द्वारा जांच के क्रम में करीब 60 ओवरलोड वाहनों को जब्त किया गया था, परंतु अंचलाधिकारी द्वारा जब्त वाहनों से मोटी रकम लेकर तकरीबन 50 वाहनों को बिना फाइन किए छोड़ दिया गया, जिसे सरकार को भारी भरकम राजस्व का नुकसान हुआ। इसी के विरोध में भागलपुर नौगछिया ट्रक ओनर एसोसिएशन के द्वारा आज शनिवार को 33 माइल चौक पर एक दिवसीय धरना दिया गया। ट्रक ऑनर एसोसिएशन के पदाधिकारी ने बताया कि लगातार ओवरलोड वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने की मांग प्रशासन से की है, परंतु कुछ पदाधिकारी के द्वारा जांच के नाम पर अवैध वसूली कर ओवरलोड गाड़ियों के परिचालन का काम करती है। विक्रमशिला सेतु की जंजर स्थिति को देखते हुए भी प्रशासन से ओवरलोड वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने व भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं धरना में ट्रक ऑनर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सह प्रदेश अध्यक्ष डीएन सिंह, जिला महामंत्री संगठन सचिव लाल बाबू सिंह, प्रदेश संगठन सचिव श्वेत कमल, प्रवक्ता बबलू मंडल, राजेश यादव, नरेश पंडित सहित कई अन्य उपस्थित थे। लगातार जिला प्रशासन का बैनर लगा हुआ है कि भाई गाड़ी भारी वाहन नहीं चलेगी, या चलेगी तो जो सीमित मात्रा है उसके अनुसार चलेगा, पर हमको लगता है कि उनका जो बैनर लगा है वह बैनर तो केवल एक मजाक के तौर पर लग गया है। रोज एक बोर्ड भी लग गया है कि भाई भारी वाहन नहीं चलेगा, पुल कमजोर हो गया, तो जो क्षमता के अनुसार गाड़ी का है वह तो कम से कम चल रहा है, उस पर भी कोई नजर नहीं है, उनका केवल बैनर का शोभा चल रहा है और बैनर के तहत कुछ काट नहीं हो रहा। ये बैनर कहाँ पे है? बैनर है जितना जहानवी चौक पर। बैनर में क्या? देखिए पत्रकार के माध्यम से और अखबार के माध्यम से हमको ये जानकारी मिली है कि बीते 8 या 9 दिसंबर के दिन रंगड़ा क्षेत्र में एसडीएम के आदेश से कुछ ट्रकों को रोका गया था। चूंकि उस समय हम अवकाश में थे तो मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है कि रोकने का कारण क्या था, ओवरलोडिंग के लिए रोका गया था या किसी और पर्पज से रोका गया था। उसमें सीओ और रंगड़ा थाना प्रभारी दोनों के द्वारा जो है कुछ ट्रकों को रोका गया था। तो उसमें ऐसे अभी सामने आ रहे हैं अखबार के माध्यम से हमको जानकारी मिली है कि कुछ ट्रकों को उसमें छोड़ दिया गया, जो कि कुछ ट्रक मालिकों द्वारा उसमें आरोप लगाया गया है कि कुछ को छोड़ दिया गया और कुछ पे उसपे फाइन किया गया। तो इस संदर्भ में एसडीएम नौगछिया के द्वारा कुछ जांच की गई है, वो जांच अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुई है, तो उनसे हम संपर्क करके उसमें जो भी उनका जांच में उन्होंने पाया है उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या इसमें किस तरह की कार्रवाई हो सके अगर जांच सही पाया गया तो? मैम देखिए जांच अगर में सही पाया जाता है तो पहले ये होगा कि उसमें, क्योंकि पुलिस को रोकने का अधिकार नहीं है ओवरलोडिंग में, साफ साफ इसमें आदेश है कि ओवरलोडिंग ट्रकों को बिना मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस के पुलिस नहीं रोकेगी। तो उसमें जांच का एक विषय यह है कि उसमें किसी के आदेश से सीओ और थाना प्रभारी के द्वारा ट्रकों को रोका गया था और रोकने का कारण क्या था, और जो ट्रक रोके गए थे और कुछ ट्रक जो छोड़ दिए गए उस संदर्भ में एसडीएम की रिपोर्ट में क्या है।
तो उसके आधार पर जो भी रिपोर्ट उनके द्वारा आती है तो उसमें थाना प्रभारी या थाना स्तर के जो भी पदाधिकारी है उनकी किस तरीके की संलिप्तता है तो उस आधार पर जो भी उचित अनुशासनिक कार्रवाई है वो की जाएगी। की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया कक्षा नर्सरी से दसवीं तक। हमारी विशेषताएं स्मार्ट क्लास, CCTV परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ। हमारा पता है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 88093047433 73 68 91 47 33। IAS IPS फाउंडेशन क्लासेस अब कक्षा 6-7 से ही UPSC की तैयारी शुरू। एक बार जरूर पधारें प्रेसिडेंसी आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। कक्षा नर्सरी से अष्टम तक बस की सुविधा के साथ नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह, हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437। 9934261437। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें। आवासीय विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। अब वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नौगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नौगछिया। मोबाइल नंबर 9065282725। नवगछिया में सड़क दुर्घटना में युवक घायल। नवगछिया थाना क्षेत्र के 0 माइल समीप तेज ट्रक से बचने के क्रम में भागलपुर जा रहे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया गया। घायल युवक मधेपुरा जिले का दीपक कुमार है। अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घायल की स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। घायल युवक मधेपुरा से मोटरसाइकिल से भागलपुर जा रहा था। नवगछिया में पाकिस्तान प्रधानमंत्री का फूंका गया पुतला। भारतीय जनता पार्टी जिला नवगछिया के द्वारा शनिवार की देर शाम नवगछिया बाजार के वैशाली चौक पर पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार कराने वाले और गुरुद्वारा पर हमला कराने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला दहन किया गया। वहीं यह पुतला दहन जिलाध्यक्ष विनोद कुमार के नेतृत्व में हुआ। पुतला दहन कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद मंडल, भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र नारायण चौधरी, मनोज कुमार पांडे, अजय कुशवाहा, नरेश प्रसाद शाह, आलोक रंजन सिंह, मुरारी चिरानिया, नगर अध्यक्ष कौशल जायसवाल, सलील कसेरा, संतोष मेहता, छोटू सिंह, रविन्द्र कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नवगछिया में CAA, NRC व NPR के विरोध में माले ने निकाला मार्च। नुक्कड़ सभा आयोजित नवगछिया स्टेशन चौक से शनिवार को भाकपा माले के जिला सचिव बिंदेश्वरी मंडल और इंकलाबी नौजवान सभा के राज्य सह सचिव गौरी शंकर राय के नेतृत्व में CAA, NRC एवं NPR के विरोध में मार्च निकाला गया। इस दौरान शहर के वैशाली चौक पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान नेताओं व कार्यकर्ताओं के द्वारा सरकार के विरोध में नारे लगाए गए। सभा को संबोधित करते हुए माले जिला सचिव बिंदेश्वरी मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार सांप्रदायिक शक्तियों के गोद में बैठकर दमन करवा रहे हैं। 19 दिसंबर को आयोजित वामपंथी दलों का बिहार बंद शांतिपूर्ण रहा। उसके बाद भी 55 नामजद वामपंथी दलों के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित 500 अज्ञात व्यक्ति पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ राजद के बिहार बंद के दिन फुलवारी में NCR, CAA, NPR के खिलाफ बंद में उतरे अल्पसंख्यकों पर भाजपा और RSS के हिंदू वाहिनी सेना के द्वारा हमला किया गया, जिसमें अमीर हंजल की मौत हो गई। उनके आरोपियों को अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं मौके पर भाकपा माले के जिला सचिव बिंदेश्वरी मंडल, गौरी शंकर राय, रेणु देवी, राधेश्याम रजक, गुरुदेव सिंह, शंकर जयप्रकाश शर्मा, अमीर राम, पूर्ण मंडल, बीरबल मंडल, रविंद्र कुमार रवि सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। नवगछिया बाजार से मोटरसाइकिल की हुई चोरी। नवगछिया शहर के बाल भारती विद्यालय के सामने सड़क किनारे से 2 जनवरी की रात को अज्ञात चोरों द्वारा नवगछिया के हरिया पट्टी निवासी अमित कुमार यादुका की मोटरसाइकिल अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। घटना के संदर्भ में मोटरसाइकिल मालिक अमित कुमार यादुका ने नवगछिया थाने में अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई है।